हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यू के क्यू इन काव्या। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने 1 ईयर पहले वेस्ट मटेरियल से खाद बनाने रखी थी, देखते हैं उसका क्या हुआ। उसमें मैंने थोड़े पत्ते लिए थे, गार्डन के आम वगैरह के पत्ते लिए थे, आम के पेड़ के और लीची के पेड़ के पत्ते थे उसमें, और वेस्ट डाला था, सब जो भी होता था किचन वेस्ट वो सब मैं उसी में डाल देती थी, और मैं उसको रख के ही भूल गई थी बहुत समय से। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसे चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक उसको चेक नहीं किया एक बार भी, और 1 ईयर से ऊपर हो चुका है क्योंकि मन ही नहीं किया खोल के देखने का। तो आज मैं सोचती हूँ कि देख ही लेती हूँ, गमलों के काम तो आ ही जाएगी वो खाद, अगर खाद बनी होगी तो, और नहीं तो फेंक देंगे। अगर नहीं बनी होगी तो खाद कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उसका, अभी जाके देखेंगे हम लोग कि हुआ क्या है, खाद को जाके चेक करते हैं। चलिए चलते हैं फिर। तो हम लोग बालकनी की तरफ चल रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे कि हुआ क्या है। अभी हम लोग बालकनी की तरफ चल रहे हैं, तो आ गए हैं, हम आ गए हैं अपनी बालकनी की साइड। तो फ्रेंड्स, ये वो डब्बा है जिसमें मैंने खाद बनाने के लिए रखी थी। अब मैं इसे ओपन करूँगी और देखूँगी कि इसका क्या हाल हुआ है, इसमें कुछ बना भी है कि नहीं बना है, जबकि इसको 1 ईयर हो गया है। इसमें देखो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो बहुत डर्टी स्मेल आ रही है और कुछ हुआ नहीं है इसे। अब मुझे नीचे फेंकने जाना पड़ेगा, अब मैं इसे जाके गार्डन में ही फेंकाती हूँ, इससे अच्छा क्या फ़ायदा हुआ इसको बनाने का। अब मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा इसको लेके, और नीचे फेंक के आऊँगी मैं इसको, अब इसको नीचे ले जाती हूँ मैं। मतलब फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे इतने समय से इसको कलेक्ट करके इसमें डालने का और खाद बनाने की कोशिश करने का, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और देखो इतना गंदा और हो गया है, इतना गंदा दिख रहा है वो, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। अब मैं इसे गार्डन में फेंकने जा रही हूँ, तो हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके खाली करेंगे। और लेकिन क्या पता नीचे नीचे खाद बनी हो, तो हम वहाँ जाके चेक करते हैं, क्या पता नीचे खाद निकल जाए थोड़ी बहुत तो काम आ जाए। काम क्या, गमलों में तो डाल ही देते कम से कम, और तो कुछ नहीं होता था। ये हम आ गए नीचे, और ये हमारा है गार्डन, देखिए ये हमारा गार्डन है, ये हम नीचे आ गए हैं अपने अपने गार्डन और अपने पीछे की साइड खेत पे जहाँ हमारे पेड़ लगे हुए हैं आम के। और तो मैं इस खाद को अब इस फील्ड में खाली करूँगी, यहाँ देखिए दिख रहा है इस एरिया में, इससे मैं इसे खाली कर दूँगी यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको। फ्रेंड्स, कुछ नहीं बना, कचरा लग रहा है बिल्कुल देखने में भी। और मैंने जबकि ये यूट्यूब से देखकर कोशिश की थी बनाने की, कि यूट्यूब ने जो जो कहा था मैंने वो इसमें डाला था, और फिर भी इतना गंदा हो रहा है और खाद नहीं बनी है यहाँ कुछ भी, इसलिए इसे ट्राई करना बेकार है। आप भी ट्राई मत करिएगा इसे खाद बनाना पत्तों से, इससे अच्छा तो मैंने कोई और रास्ता निकाला होता खाद बनाने का तो बन गई होती शायद। तो फ्रेंड्स, ये खाद वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इतने समय से मैंने जो कलेक्ट कर रखा था आज देखा तो बहुत गंदा दिख रहा था, और उसमें स्मेल भी गंदी आ रही थी। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी ऐसे चीज़ें ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था, ऊपर से फेंकने गई वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपने अपने पीछे की साइड खेत है जो जहाँ आम के और लीची के पेड़ हैं, तो वहाँ डाल आई हूँ फिलहाल उसको। तो गाइज, आप भी ट्राई मत करिएगा ये सब, कुछ बातें सही होती होंगी यूट्यूब में बनाने की विधि पर। मेरी जो मैंने जबकि जो बोला था वो सब डाला, मोनो वगैरह बोला था और पत्ते बोले थे, वेस्ट बोला था, किचन वेस्ट बोला था, सब डाला, और फिर भी खाद नहीं बनी है। इतने समय से रखे रहा, 1 ईयर भी हो गया उसको रखे रखे, जबकि कुछ मंथ में ही बन जाती अगर खाद बननी होती तो। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।